Hello friends, welcome to Supriya's Creative Corner. If you don't want to miss any of my video, please press the subscribe button and bell icon. Thank you, keep watching. हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अपने इस पुराने प्लास्टिक टेबल को एक नया लुक दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना हो चुका था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सोचा कि इसको एक नए लुक की तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे मैंने इपॉक्सी रेजिन के बारे में काफ़ी सुना था, मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखे थे, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं इपॉक्सी रेजिन पोरिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने इस टेबल के चारों साइड पे मास्किंग टेप लगाया है, जिससे कि अगर मैं इस पे पोरिंग करूँ तो वो साइड में फैले नहीं और मेरे टेबल के साइड लुक को ख़राब ना करे। मेरा एम है कि मैं पोरिंग सिर्फ टेबल के ऊपर करूँ, टॉप पे, और साइड को बिल्कुल भी ख़राब ना करूँ, वो जैसा है वैसा ही रहे। उसके लिए मैं बस साइड में थोड़ा सा पेंट कर दूँगी। मुझे इस टेबल टॉप पे कुछ टेक्सचर भी चाहिए था, तो यहाँ मैं ग्लू लगा रही हूँ और रोलर की हेल्प से अच्छे से मैं इसे फैला रही हूँ। हाथ से ही अच्छे से फैलता नहीं, इसलिए मैंने रोलर यूज़ किया है। इसके ऊपर मैं एल्यूमिनियम फॉइल चिपका दूंगी और उसके ऊपर मैं इपॉक्सी पोर करने वाली। देख सकते हैं मैंने एल्यूमिनियम फॉइल अच्छे से चिपका लिए है और मैं कॉर्नर्स को अच्छे से कट कर रही हूँ। मैं ईपॉक आर्ट इपॉक्सी रेजिन ले रही हूँ। ये देखिए, ये दोनों बॉटल मैंने अमेजोन से लिया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि हम अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लव्स पहन लें और हमें अपने हेयर टाई करने हैं। तो यहाँ मैं पूरा ही मिला दूंगी, क्योंकि ये मुझे पूरा लग जाएगा स्टेबल बनाने के लिए। इसे मुझे 1:3 रेशो में मिलाना था, क्योंकि ये मुझे पूरा लगने वाला था तो मुझे मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने इसे डायरेक्ट बोल में डाला और 5 से 10 मिनट के लिए मिक्स किया। इसके बाद मैंने अपने पास जो भी कलर्स थे मैंने वो लेके इसमें मिक्स किया। एक्चुअली ये सही प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आपको कलर डाई यूज़ करना पड़ता है, बट क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं इतना प्रिपेयर नहीं थी तो मैंने जस्ट अपने पास नॉर्मल कलर लिए और उन्हें मिक्स कर दिया। स्टिल वो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गए थे।
सबसे पहले मैं बेस के लिए ये ग्रीन कलर ले रही हूँ और इसे मैं रैंडमली डालूंगी और अपने ग्लव्स से इसको फैला दूंगी। वैसे इसमें प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप ही सेटल हो जाता है सरफेस पे, बस हमको थोड़ा सा रैंडमली इसको फैलाना पड़ता है ताकि ये पूरा सरफेस कवर करे। इसके बाद मैं अपने बाकी के रैंडम कलर्स इस पर डालूंगी और मेरे पास ब्लोअर है, हॉट गन नहीं था, ब्लोअर था तो मैं सिर्फ ब्लोअर से ही इसे चला रही हूँ। सेट होने के बाद तो इसका लुक एकदम ही चेंज हो गया है और अब तो ये लग ही नहीं रहा है कि ये वही पुराना प्लास्टिक टेबल था। तो मुझे तो ये आर्ट बहुत पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें और भी एक्सप्लोर करूँ कि इससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।